हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे गैस, और मैं भी ठीक ठाक हूँ गैस प्रबल की कृपा से। तो आज का इस ब्लॉग बहुत ही अलग ही होने वाला है, अलग लेवल होने वाला है। तो गैस आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा गैस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो कोई पॉलिटिकल कोई राजनीति नहीं होने वाला है गैस इस वीडियो। इसलिए मैं इस आवाज़ उठा रहा हूँ, जो कि गाँव का जितना भी प्रॉब्लम रहता है कोई भी शेयर नहीं करता है गैस, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। तो इसीलिए गैस मैं छोटा सा एक यूट्यूबर्स होने के नाते मैं इस आवाज़ उठा रहा हूँ गैस। और इस आवाज़ उठाने का वजह ये है, जो कि मेरा गांव में मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था रोड। आज फर्स्ट बार जो कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि आज मेरा गांव में रोड बन रहा है, और कैसा बन रहा है क्या बन रहा है आप सभी को वहाँ पर जाके ही देखाऊँगा गैस। और गाँव का जो कि जितना भी प्रॉब्लम्स रहता है, जो कि गाँव में एक अच्छा सा रोड होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा गांव का आप सभी को बता रहा हूँ कि मेरा जो कि ज़िंदगी में मैं कभी भी रोड नहीं देखा था, जो कि फर्स्ट टाइम आज बनने के लिए जा रहे हैं रोड, जो कि कंक्रीट रोड बोलते हैं, तो वही रोड बन रहा है। और मेरा गांव में जो कि बिजली का बहुत ही प्रॉब्लम रहता था, जो कि और पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी वो थोड़ा डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी रोड नहीं बना था गैस। तो आज फर्स्ट टाइम हमारे गाँव में, जो कि हमारा टोली में, जो कि एक हमारा कंक्रीट रास्ता बन रहा है। तो गैस मैं आप सभी को वहाँ पर जाके दिखाता हूँ कि वो कैसा बन रहा है और कितना लंबा बन रहा है, क्या बन रहा है, आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ गैस। और इस वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। तो अभी गैस मैं घर से निकल चुका हूँ, जो कि आप सभी को मेरा गाँव का जो कि जहाँ पर रोड बन रहा है वहाँ पर जाके दिखाने वाला हूँ गैस आप सभी को। और गैस मैं आप सभी को वहाँ पर जितना भी वर्कर्स लोग जितना भी काम कर रहे हैं वही लोग को ज़्यादातर नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सबको कुछ भी मालूम नहीं है गैस। तो गैस वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं वीडियो कर रहा हूँ तो वो सबको सिर्फ लगता है कि बकवास लगता है। गांव का लोग गैस जो कि 99% जो कि ब्लॉग्स किया होता है वो कुछ भी नहीं जानते हैं, और 1% जो कि लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं कि ब्लॉग्स क्या है। और तो चलो गैस मैं आप सभी को ज़्यादातर बकवास नहीं करके मैं आप सभी को वहाँ पर जाके दिखाता हूँ कि गैस कितना क्या रोड बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है, सब कुछ वहां पर जाके दिखाता हूं गैस। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, लोगों को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि ऐसा विलेज का जो कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो सिर्फ मैं एक छोटा सा जो कि वन के जो कि मेरा फैमिली होने के नाते मैं इस वीडियो बना रहा हूं, और जो कि मेरा गाँव हो या तो दूसरा गाँव हो, जो गाँव का प्रॉब्लम्स को कोई भी नहीं समझते हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। जो कि ग्राम प्रधान हो या तो हमारा समिति, जो कि हमारा जितना भी हमारा सरकार हो, वो सब नहीं जानते हैं कि गांव का प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो में कोई भी राजनीति कोई भी पॉलिटिकल कोई भी कुछ नहीं कर रहा हूं गैस, सिर्फ ये जो कि गांव का प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी को अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं गैस सामने जो कि काम शुरू हो चुका है, इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये है पानी टैंकर, जो कि पानी इसमें लाया गया है। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड बन रहा है मेरा गांव का, और ये फर्स्ट टाइम बन रहा है गैस। और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर कोई भी रोड नहीं है, जो कि ये बारिश का दिन में बहुत ही कीचड़ होता है, इसलिए गैस मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा फर्स्ट वजह है यही है, जो कि बारिश का दिन में जो कि हम लोग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, सिर्फ मेरा गाँव में नहीं है, बहुत सारा ऐसा मैं गाँव देखा हूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमारा कंक्रीट रोड बन रहा है, और भी कितना बन रहा है क्या बन रहा है आप सभी को फिर नज़दीक जाके दिखाता हूँ। देख सकते हैं गैस कि अभी इसमें जो कि मेटलिंग किया जा रहा है, और उसके बाद जो कि इसके ऊपर में कंक्रीट किया जाएगा। गैस इधर बालू है, और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एंड हो चुका है, ये है 90 फीट बन रहा है इस कॉन्क्रीट रोड। तो मैं इसलिए इस आवाज़ उठा रहा हूँ, जो कि ये जो 90 फीट बन रहा है इस रोड, अगर ये अगर पूरा बन जाता हमारे गाँव में तो मैं बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरा जितना भी गांव का लोग जो कि जितना भी यहां पर प्रॉब्लम्स में झेल रहे हैं, तो सबका जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही मेरा ग्राम प्रधान जी से मैं अनुरोध करता हूं। सबसे पहले गैस जो कि हमारा ग्राम प्रधान जी जो भी है हमारा, जो कि उनसे मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि इतना रोड बनने के लिए भी हमको बहुत ही खुश लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये मैं देखने के लिए हमारा गाँव में मिला है, जो कि ये कंक्रीट रोड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके बहुत ही जल्द हमारा इस रोड जो कि कंप्लीट हो जाए, तो क्योंकि गैस ये जो बहुत ही कीचड़ रास्ता हो जाता है बारिश का दिन में, बहुत ही प्रॉब्लम होता है जो कि आने जाने में। गुजारिश करता हूं कि जो कि ये जो हाफ जो कि ये रोड बना है, तो इसको कैसा बहुत जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान जी आप इसको थोड़ा देखिए, और थोड़ा सा आप लोग इसको
बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधान जी कि आप लोग ये सब करने के लिए हम लोग को मदद कीजिए। हमारा जो कि ओडिशा का चीफ मिनिस्टर माननीय नवीन पटनायक जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे रास्ता को देखिए सर, कि हमारा कितना प्रॉब्लम है। सिर्फ ये अभी ये जो कि गर्मी का दिन मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बारिश का दिन में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ होता है, और किसी का भी अगर प्रॉब्लम रहता है हॉस्पिटल जाने में या तो कुछ भी इमरजेंसी काम में बहुत ही प्रॉब्लम होता है सर। हमारे गांव का जितना भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए सर, और जितना भी इस आसपास में जितना भी गांव है क्या है सब कुछ आप ही लोगों के कारण ये सब संभव होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग इसको प्लीज़ थोड़ा आप लोग देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप लोग इस वीडियो देख के थोड़ा हमारा हेल्प कीजिएगा। तो थैंक यू सर। तो गैस मैं आप सभी को जो कि मेरा गांव का रोड दिखाया कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, और क्या रिक्वेस्ट किया हूं जो कि हमारे ग्राम प्रधान जी से और हमारे सरकार से मैं गुजारिश किया हूं। और आप सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं गैस, इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि गाँव का प्रॉब्लम को कोई भी नहीं समझते हैं, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ। और गैस चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और साथ ही में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।